इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था कि हिमाचल पुलिस की भर्ती में घोटाले का मामला सामने आया है। अब इस खबर का असर हुआ है, हिमाचल सरकार ने पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी बना दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, हिमाचल में पुलिस भर्ती की पेपर लीक का मामला आज ही संज्ञान में आया था और बताया जा रहा था कि इस मामले में लाखों रुपए में पेपर बिके थे। खबर यह भी थी कि इस पूरे पेपर लीक मुद्दे को पुलिस के आला अधिकारियों ने दबाने की कोशिश की थी और अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और हिमाचल सरकार ने पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी है, साथ ही एसआईटी जांच की भी बात की जा रही है। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जगविंदर, एक बार फिर से एबीपी न्यूज की खबर का असर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए परीक्षा रद्द कर दी गई है और 1341 कांस्टेबल्स की भर्ती होनी थी, जिसमें से 900 के करीब जो है वो पुरुष होने थे, 300 के करीब महिलाएं होनी थी। 74,000 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन कल रात कांगड़ा के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये बड़ा खुलासा किया वहां के अफसरों ने कि जो लोगों ने परीक्षा दी है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 से 8 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदे थे। 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उनको धर्मशाला की कोर्ट में पेश किया गया है, एसआईटी बनाई गई है। लेकिन ये पेपर लीक कहां हुआ? जिस एजेंसी ने पेपर बनाया, क्या हेडक्वार्टर की इन्वॉल्वमेंट थी? क्या जो टॉप ऑफिशियल शिमला में बैठे हुए थे, क्या उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की? इससे पहले सोलन में भी भर्ती घोटाले के बीच में पेपर लीक की बात आई थी। इन तमाम चीजों की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल मंडी के डीआईजी के निर्देशन में एक एसआईटी बनाई गई है और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड 2 एसपी थे उनको इसमें बतौर मेंबर शामिल किया गया है और सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हेडक्वार्टर्स लेवल पर कोई इन्वॉल्वमेंट निकलती है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बड़ा रिक्रूटमेंट घोटाला सामने आया है कि पुलिस भर्ती के पेपर हिमाचल में लीक हो रहे थे और इसको लेकर अब सियासत भी वहां शुरू हो गई है कि आखिरकार पैसे लेके पेपर लीक कौन करवा रहा था और कब से ये पेपर लीक हो रहे थे। तो ऐसे में अब युवाओं का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, तो ये परीक्षा पुलिस भर्ती की जो रद्द हुई है, अब कब कराई जाएगी, इसे लेकर कोई जानकारी जो मिल रही है जगविंदर पटियाल? देखिए अभी कोई जानकारी नहीं दी है। फिलहाल तो पुलिस को हाथ पैर की पड़ी हुई है और साथ ही सरकार को भी हाथ पैर की पड़ी हुई है कि जो इतना बड़ा प्रोसेस पूरा कर लिया गया था, उन बाकी जिलों में जिनमें रिटर्न परीक्षा हो चुकी है उनके भी दोबारा से ये सब चीजें चेक की जाएंगी कि कहीं वो पेपर भी लीक तो नहीं हो रहे थे। ये कांगड़ा जिले का एक मामला है जहां पर 290 सिपाहियों की भर्ती होनी थी और वहां के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, जो ऑफिसर रिक्रूटमेंट बोर्ड में थे, उन्होंने ये मामला कल पकड़ा कि जिन लोगों के 10वीं की परीक्षा में 50% नंबर नहीं है वो इस पुलिस भर्ती में कैसे मेरिट में आ गए। 90 में से 70 नंबर आ गए थे 3 लोगों के, जबकि उनके 10वीं की जो सर्टिफिकेट चेक किए गए तो उसमें उनकी मार्क लिस्ट में 50% से ज्यादा अंक नहीं थे। उन तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा गया कि आखिरकार उन्होंने इतनी तैयारी कैसे की, तो ये पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया और डीआईजी धर्मशाला और जो 2 रिक्रूटमेंट बोर्ड में एसपी थे, 3 एसपी, उन तीनों ने ये जब शिमला में ये बात बताई तो उसके बाद देर रात एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये घपला कब से चल रहा था और कितने पेपर लीक हो चुके थे, क्योंकि बाकी जितने भी जिले हैं उनमें भी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था। तो अब इस पूरे मामले की छानबीन करना एसआईटी की जिम्मेवारी है और वही निकालेंगे कि कितने लोगों ने पेपर खरीदे और कितनी धांधली हुई। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए जगविंदर पटियाल। तो इस पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।